सरकार द्वारा जारी घोषणाओं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि ये सभी चुनावी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होगी। 60,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले डूबी सरकार सबको खुश करने में जुटी है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जयराम सरकार कर्ज में डूबी हुई सरकार है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी अभी घोषणाएं कर रही है वो सारी चुनावी घोषणाएं, और इस वक्त मुख्यमंत्री जी के पास आप किसी बात के लिए जाओ वो बिल्कुल जो है हम ही भर रहे हैं। अगर जाके उन्हें ये जिद करे कोई कि चांद को धरती पे ले आओ तो कहेंगे कि मैं चांद को धरती पे ले आऊँगा। तो इस तरह की जो कल्पना से परे चीज़ें वो कर रहे हैं। अब जितनी ये घोषणाएँ कर रहे हैं, मेरी समझ में आ नहीं रहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, बजट का प्रावधान कहाँ है। और अभी तो हिमाचल पे 60,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो चुका है और खाली चुनाव के लिए थोड़ा समय बचा है। जितनी भी ये घोषणाएं, इन घोषणाओं पे अमल बिल्कुल नहीं होगा, हिमाचल की जनता भी समझती है। और मुझे लगता है कि सबको ये बात समझनी होगी कि सरकार सिर्फ चुनाव को देख रही है और ये सारी चुनावी घोषणाएं ये कभी भी अमल में आने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।